घनी काली स्याह रात में अचानक दिन जैसा नजारा या रोशनी दिखे तो इसे किसी मुसीबत का संकेत माना जाता है। ऐसी ही एक मुसीबत फ्रांस पर आई है, जहां रात के अंधेरे में आसमान से एक उल्कापिंड आ गिरा। इस उल्कापिंड से रात में भी एक पल के लिए दिन जैसा उजाला हो गया। इस खगोलीय घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। फ्रांस के ऊपर एक बड़ी मुसीबत आते आते टल गई। उत्तरी फ्रांस के आसमान में रात को एक एस्ट्रॉइड देखा गया, जो पल भर में पृथ्वी पर जा गिरा। इस घटना से लोगों में दहशत फैल गई है। हालांकि एस्ट्रॉइड छोटा होने की वजह से किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। कई लोगों ने गिरते हुए उल्कापिंड का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। इस उल्कापिंड के गिरने की संभावना पहले ही जता दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय उल्का संगठन ने उल्कापिंड के गिरने की घटना की पुष्टि की है। ट्विटर पर साझा किए गए बयान के मुताबिक इस उल्कापिंड ने 13 फरवरी को भारतीय समय अनुसार सुबह 8:29 पर धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया था। उस समय फ्रांस में रात के 2:59 हो रहे थे। उल्का संगठन ने बताया कि उल्कापिंड अपने संभावित समय पर ही आग का गोला बनकर पृथ्वी पर गिरा। इस दौरान चंद्रमा के करीब एक बेहद चमकदार रोशनी देखी गई। इस घटना को बहुत से लोगों ने भी देखा। ये उल्कापिंड 1 मीटर के व्यास का था, जो धरती के लिए खतरा नहीं था, लेकिन जब ये लोगों के ऊपर से गुजरा तो उनमें दहशत पैदा हो गई। संगठन ने बताया कि ये उल्कापिंड फ्रांस के रुएन के आसमान में दिखाई दिया था। वहीं कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसकी रोशनी बेल्जियम, नीदरलैंड और दक्षिणी इंग्लैंड में भी देखी गई थी। बता दें कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने उल्कापिंड को लेकर पहले ही चेतावनी दे दी थी। स्पेस एजेंसी ने बताया कि पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही ये उल्कापिंड टूटकर बिखरने लगा। देखते ही देखते ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई आग का गोला गिर रहा हो। खगोलविदों ने इस उल्कापिंड को बेहद महत्वपूर्ण बताया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 7वां उल्कापिंड है जिसके बारे में पृथ्वी पर टकराने से पहले ही पता चल गया हो। ये घटना दिखाती है कि खगोलविदों के उल्कापिंड का पता लगाने की क्षमताओं में विकास हुआ है। बता दें कि पिछली बार 19 नवंबर 2022 को कनाडा के टोरंटो में उल्कापिंड के गिरने से ठीक 4 घंटे पहले बता दिया गया था। माना जाता है कि डायनासोर का खात्मा पृथ्वी पर उल्कापिंड की टक्कर से ही हुआ था। ऐसे में खगोलविद नहीं चाहते हैं कि ऐसा इंसान के साथ हो, इसलिए वो उल्कापिंड का पता लगाने और उनसे बचने के तरीकों पर शोध कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।